हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं ये जो रगलान इंक्रीज मैंने इसमें डाला है वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टॉप डाउन प्रोजेक्ट है, जो कॉलर से शुरू किया है, फिर नेक बनाया है, उसके बाद रगलान इंक्रीज के साथ फंदों को इस तरीके से बढ़ाया है। ये देखिए, जाली वाला डिज़ाइन जो है ये इस तरीके से हमने बनाया है, और उसके साथ ये उल्टे उल्टे फंदों का डिज़ाइन इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और ये किस तरीके से किया है ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये जो है 8 रोज का रिपीट पैटर्न है, यहाँ पे मैंने जो है 7 बार इसे बनाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो दूसरी ओर जब ये इस तरीके से आता है, देखिए ये बहुत अच्छा लगता है। और चलिए ये अब मैं बनाना शुरू करती हूँ किस तरीके से जो है नेक के बाद हमने फंदों को बढ़ाना है इस तरीके के रेगलान इंक्रीज के पैटर्न के साथ। तो सबसे पहले आपको नेक बुनना है, जितने भी फंदों पर आपने नेक बुनना है इस तरीके के गार्टर स्टिचेस के साथ, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए नेक बना लिया। उसके बाद जब हम फंदों को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, तो देखिए कहाँ कहाँ चार जगह होती हैं जहाँ पे हमने फंदों को बढ़ाना है, वो 4 जगह सबसे पहले आपको फंदों को डिवाइड करना है बैक स्लीव्स और फ्रंट पार्ट्स में। और फिर 4 जगह पर जो है आप मार्कर लगा के ये जो है जगह आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने जो है फंदों को बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बीचों बीच जो है फंदे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे लिए हैं, तो मैं 6 फंदे यहाँ रख रही हूँ, 6 फंदे इस साइड रख रही हूँ, और बीचों बीच जो है मैं लगाऊंगी यहाँ पे मार्कर। तो ये देखिए, हमने पहले सबसे पहले मार्कर लगा के इस तरीके से पॉइंट आउट कर लेनी है जगह जहाँ पे हमने फंदों को बढ़ाना शुरू करना है रगलान इंक्रीज के साथ। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है मैंने लगा लिया है मार्कर, ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, चारों जगह के सेंटर पॉइंट को इस तरीके से हमने लगा लेना है मार्कर। और अब देखिए, अब जब हम रो 1 बनाएंगे, फ्रंट साइड पर हम फंदों को बढ़ाते जाएंगे जाली से, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, ये मार्कर का जो एक फंदा है इसे छोड़ देंगे, मार्कर के राइट साइड पर एक फंदा नज़र आ रहा है इसे हम छोड़ देंगे, बाकी हमने बुन लेने हैं। तो यहाँ पे 6 फंदे मैंने यहाँ इस साइड रखे, तो इसमें हम 5 फंदे यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। और देखिए, बस हमने मार्कर का ध्यान रखना है, मार्कर के इस साइड कैसे फंदा बढ़ाना है और इस साइड कैसे फंदा बढ़ाना है। तो मार्कर के इस साइड एक फंदा है, देखिए इससे पहले हमने डालनी है यहाँ पे जाली, फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे, मार्कर को करेंगे इस तरीके से शिफ्ट, और मार्कर के इस साइड भी हमने ऐसे ही करना है। तो एक फंदा हमने सीधा बुनना है, यहाँ जाली से फंदा ऐसे बढ़ाना है, और ये हम साइड के फंदे बुन लेंगे। तो ये सीधे सीधे बुनने हैं हमने, जो फंदे जाली के साइड वाले फंदे हैं सीधे सीधे बुनने हैं। तो रो 1 पे हम इस तरीके से करेंगे, फिर रो 2 देखिए, रो 2 हमने पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। जाली वाले फंदे भी उल्टे बनाने हैं ऐसे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे। रो 2 सारी हमारी उल्टी बनेगी ऐसे, रो 3 फ्रंट साइड पे साइड वाले फंदे हम बुनेंगे सीधे सीधे। तो अब देखिए, हमने जो मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, इसके 2 फंदे जो इस साइड हैं, यहां से पहले वाले फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे जाली, और ये 2 फंदे आप बुनेंगे सीधे, फिर अब हम मार्कर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे भी देखिए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, और अब यहाँ पे जाली डालेंगे, और जाली डालने के बाद सारे फंदे दूसरी साइड सीधे सीधे हैं।
ऐसे, तो रो टू ऐसे बनाएंगे, रो टू के बाद रॉन्ग साइड पे रो फोर बनाएंगे। सारी सिलाई जो है हमने उल्टी उल्टी बनानी है, जाली वाले फंदे भी उल्टे बुनेंगे। मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे तो रो फाइव। तो इस रगलान इंक्रीज में हमने सिर्फ मार्कर का ध्यान रखना है, जो सेंटर पॉइंट है हमारा उसी के आसपास हमने जो है पैटर्न को फॉलो करते जाना है रो फाइव। तो अब देखिए हमने यहाँ पे जो मार्कर है इसके जो राइट साइड पर तीन फंदे हैं, यहां तक जो है फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे। उसके बाद हम यहां पे डालेंगे जाली, उसके बाद तीन फंदे बुनेंगे सीधे ऐसे। तो उसके बाद मार्कर को कर लेंगे शिफ्ट, उसके बाद यहां पे भी हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो तीन, फिर एक जाली, और उसके बाद जो फंदे सीधे सीधे हैं उन्हें सीधा सीधा ही बुनना है। और उसके बाद रो सिक्स सारी उल्टी बना लेंगे, मार्कर शिफ्ट, उसके बाद रो सेवन पे आ जाएंगे। तो अब देखिए हमने क्या करना है इस रो पे, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब जो ये मार्कर है इसके जो यहां तक चार फंदे हैं, इससे पहले जितने फंदे आएंगे वो हमने उल्टे बुनने हैं। मार्कर से चार फंदे पहले तक हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं ऐसे। ये यहाँ पे पहुंच के देखिए एक दो तीन चार, सॉरी एक फंदा जो है पांच फंदे, सॉरी हम पांच फंदे पहले तक सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, और एक ये वाला फंदा जो है हमने सीधा बुनना है, इसे सीधा रखना है। और उसके बाद एक जाली डालेंगे, जाली के दोनों साइड वाले फंदे सीधे आएंगे। उसके बाद जाली डालने के बाद चार फंदे जो दिख रहे हैं हमें मार्कर से पहले, ये हम सीधा सीधा बुन लेंगे, जाली के अंदर वाले फंदे और जाली से एक फंदा बाहर, ये हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो जैसे हमने इस साइड किया है इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे, चार फंदे बुनेंगे सीधे, एक दो तीन चार, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, और इसके बाद जितने फंदे साइड में हैं उन्हें उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। उसके बाद लास्ट रो है पैटर्न की, एट्थ रो, एक फंदा स्लिप करके हम सारे फंदे इस तरीके से बुनेंगे कि जो फंदा हमें सीधा नजर आएगा उसे सीधा बुनेंगे, और जो फंदा हमें उल्टा नजर आएगा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ जाली से पहले एक फंदा उल्टा है देखिए, फिर जाली वाला फंदा है, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं, इन्हें हमने उल्टा बना लिया मार्कर से पहले। उसके बाद आगे भी छः फंदे हमें जो हैं उल्टे नजर आएंगे, ये भी हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे उल्टा बना लिया, ये छठा फंदा इस साइड वाला उल्टा बना लिया, फिर धागा दूसरी ओर करके जो फंदे हमें सीधे नजर आएंगे उन्हें सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी आठवीं रो ऐसे बनेगी। और देखिए आठ रोज के बाद जो है चार फंदे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, चार फंदे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो आठ सिलाइयों में हमारे आठ फंदे ऐसे बढ़ जाएंगे। और अब जो है नेक्स्ट हम इन्हीं आठ रोज को रिपीट करेंगे। तो हमने ये जो सेंटर पॉइंट है मार्कर है इसी के आसपास जो है हमने इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू करना है। तो इस तरीके से जब आप ये इंक्रीज करते जाएंगे
तो ये बहुत अच्छा बनता जाएगा और बहुत आसान है, बिगिनर्स इसको बहुत आसानी से कैच करके अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। तो टॉप डाउन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं, और फ्रॉक्स में इसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने यहाँ शोल्डर तक ये जो है पोर्शन तैयार किया है। इसी तरीके से आप आगे जो है फंदों को डिवाइड करके नीचे आप इसे जो है ए शेप फ्रॉक में बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन ये डिज़ाइनर फ्रॉक जो है बनेगा इस पैटर्न को अगर आप पूरा नीचे तक फॉलो करते हैं तो। और अगर सिर्फ आप ये रेगुलर इंक्रीज के साथ आर्म होल्स तक जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं फंदे तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप सीखिए इसे और बनाइए अपने प्रोजेक्ट्स पर, और मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।